हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुप्ता सर में। देख रहे हैं, इंटर परीक्षा का रिजल्ट 16 मार्च तक आना संभव हो गया है। ये एकदम 100% फिक्स है कि 16 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि टॉपर का वेरीफाई भी आज करा दिया गया है। आज सोमवार को कराया गया है 14 मार्च को, तो 16 मार्च को 100% रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा। इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। बिहार बोर्ड अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक होली से पहले संभावित 16 मार्च को रिजल्ट जारी कर किया जा सकता है, ये संभावित किया गया है, लेकिन रिजल्ट जारी कर देगा 16 तक। रिजल्ट से पहले किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए बोर्ड सभी प्रकार की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए जिला से संभावित टॉपर की प्रैक्टिकल कॉपी मंगाई गई है, प्रैक्टिकल का भी कॉपी मंगा दिया गया है। बोर्ड संभावित टॉपर के प्रैक्टिकल के अंकों को भी अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना चाहता है। वेरिफिकेशन के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विभागों की तरफ से टॉपर का अलग से इंटरव्यू किया जाएगा, जो इंटरव्यू आज करा लिया गया है। अलग से इंटरव्यू जो कराना था वो इंटरव्यू करा लिया गया है। इसमें विशेषज्ञ टॉपर से अलग अलग विषय से संबंधित सवाल पूछेंगे। इसके बाद इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी 16 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। ये 100% फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें संभवतः 5-7 दिन लग सकते हैं। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई थी और 14 फरवरी तक चली थी। 12वीं की परीक्षा के लिए राज्य भर के 13,45,939 छात्र छात्राएँ रजिस्टर्ड हुए थे, यानी 13,45,939 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे इंटर का। वही मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी को हुई थी, मैट्रिक की परीक्षा 24 फरवरी तक चली थी। मैट्रिक की परीक्षा में 16,48,000 छात्र शामिल हुए, 15,00,000 शिक्षकों ने इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन किया है। इंटर का जो कॉपी चेक किया गया है वो 15,00,000 शिक्षकों के द्वारा चेक किया गया है। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पे 6 कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए थे। कंप्यूटर सिस्टम लगाया गया था ताकि कॉपी आज का चेक हो और आज ही नंबर चढ़ जाए। जहां मूल्यांकन के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर अंक को भी अपलोड करते चल रहे थे, क्योंकि अपलोड इसलिए कर रहे थे ताकि बोर्ड को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कितना पेपर चेक हो रहा है। इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं हो, इसके लिए बोर्ड ने अपना सॉफ्टवेयर विकसित किया था। तो देख रहे हैं क्या, जब इंटर का रिजल्ट इतना तेजी निकल जाएगा, 16 मार्च निकल जाता है, तो मैट्रिक वाले बच्चे भी ध्यान दीजिए, आप लोग का रिजल्ट हो सकता है 5 दिन के अंदर निकल जाएगा, यानी 25 तक, लेट से लेट 25 मार्च तक निकल जाएगा 100%, इसमें कोई शक नहीं है। 100% आपका 25 मार्च तक निकल जाएगा। आप लोग चाहते हैं ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को मिले, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन मिले, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेक्निकल गुप्ता सर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और आपका लाइव रिजल्ट भी निकाला जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से, हमारे ये चैनल के मेंबर बन जाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।